क्लास इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टाइप कौन कौन से हैं, ठीक है, और उनको हम आपका डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहला टाइप होता है आपका SN2 रिएक्शन और दूसरा टाइप होता है आपका SN1 रिएक्शन। तो ये कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को हम दो में क्लासिफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका मैकेनिज्म कौन सा फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो दो टाइप हैं आपके, वो आपके हैं, एक तो SN2 रिएक्शन का टाइप है और एक आपका SN1 रिएक्शन का टाइप है। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को उनके मैकेनिज्म के हिसाब से, यानी कि डिपेंडिंग अपॉन कि वो मैकेनिज्म कौन सा फॉलो कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को दो में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला आपका है SN2 रिएक्शन और दूसरा आपका है SN1 रिएक्शन, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में यह आता है कि SN2 के अंदर SN और 2 का मतलब क्या है और SN1 के अंदर SN और 1 का मतलब क्या है, ठीक है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इन दोनों रिएक्शन के अंदर कैपिटल S और कैपिटल N का मतलब क्या है। तो इन दोनों रिएक्शन के अंदर कैपिटल S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन और कैपिटल N का मतलब होता है आपका न्यूक्लियोफिल, ठीक है। तो दोनों ही रिएक्शन के अंदर कैपिटल S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन और कैपिटल N का मतलब है आपका न्यूक्लियोफिल, ठीक है। अब दोनों में फर्क किसकी वजह से आ रहा है, डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, वो आपका 2 और 1 की वजह से आ रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है, ये 2 क्या है यहाँ पर और 1 क्या है यहाँ पर। तो 2 का मतलब यहाँ पर होता है बायोमोलिक्यूलर, क्योंकि इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 2 होती है, और 1 का मतलब है यहाँ पर आपका यूनिमोलिक्यूलर से, क्योंकि इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है वो आपकी 1 होती है, ठीक है। आपको मैं बता देती हूँ, SN2 रिएक्शन जो है वो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है और SN1 रिएक्शन आपका 1 ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। यानी कि अगर इन दोनों रिएक्शन की मैकेनिज्म को मैं कंपेयर करूं तो मुझे पता लगेगा कि SN2 रिएक्शन जो है उसका ऑर्डर आपका 2 होता है और SN1 रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो आपका 1 होता है, ठीक है। अब आपको मैं एक और चीज बता देती हूँ, जो आपकी SN2 रिएक्शन होती है वो 1 स्टेप रिएक्शन है, यानी कि एक ही स्टेप के अंदर कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। और हम ऑलरेडी केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ चुके हैं, ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो आपकी 1 स्टेप रिएक्शंस होती हैं और एक ही स्टेप के अंदर कंप्लीट हो जाती हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम आपका बोलते हैं सिंपल रिएक्शंस या फिर एलिमेंट्री रिएक्शंस, ठीक है। तो इसका मतलब SN2 रिएक्शन आपकी क्या होगी, एक एलिमेंट्री रिएक्शन होगी, एक सिंपल रिएक्शन होगी, क्योंकि वो एक ही स्टेप के अंदर कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। और हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था कि जो सिंपल रिएक्शंस होती हैं और जो एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, सिंपल रिएक्शंस को ही एलिमेंट्री रिएक्शंस हम बोलते हैं। तो जो सिंपल रिएक्शन होती हैं या फिर जो एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं, उस केस में जो भी रिएक्शन का ऑर्डर होता है वही रिएक्शन की क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी होती है। तो क्योंकि SN2 रिएक्शन जो है आपकी, उसका ऑर्डर आपका 2 है, तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी भी क्या होगी, 2 होगी आपकी। तो इसीलिए मैंने आपका यहाँ पर लिखा है कि ये जो रिएक्शन है वो आपकी SN2 है। 2 का मतलब क्या है, बायोमोलिक्यूलर। बायोमोलिक्यूलर का मतलब क्या है कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी आपकी 2 है, ठीक है। और 2 क्यों है, क्योंकि इस रिएक्शन का ऑर्डर 2 है। और ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यूज क्यों सेम है इस रिएक्शन के लिए, क्योंकि ये रिएक्शन आपकी एक सिंपल रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। और सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शंस के बारे में हमें पता है केमिकल काइनेटिक्स से कि ऐसे रिएक्शंस के लिए जो भी ऑर्डर होता है इन रिएक्शंस का, वही उसकी क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी होती है। तो क्योंकि SN2 रिएक्शन का ऑर्डर 2 होता है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी आपकी क्या होती है, 2 होती है आपकी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा SN2 के बारे में, ठीक है। अब हम आते हैं SN1 के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 1 है, इस 1 का मतलब होता है आपका यूनिमोलिक्यूलर। S का मतलब तो हमें पता है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब भी पता है हमें न्यूक्लियोफिलिक, लेकिन यहाँ पर 1 का मतलब क्या है आपका, 1 का मतलब है यूनिमोलिक्यूलर, यानी कि
यहाँ पर जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो आपकी वन है, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि SN2 रिएक्शन आपकी एक सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन है, क्योंकि वो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, और इसीलिए इस रिएक्शन का जो भी ऑर्डर है वही इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी है, क्योंकि इस रिएक्शन का ऑर्डर 2 है इसीलिए इसकी मॉलिक्यूलैरिटी भी 2 है। लेकिन अगर हम SN1 रिएक्शन की बात करें तो SN1 रिएक्शन आपकी 2 स्टेप रिएक्शन है, यानी कि इस रिएक्शन के अंदर 2 स्टेप्स होते हैं, और ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक से ज्यादा स्टेप्स होते हैं ऐसी रिएक्शन को हम आपका बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन, और यू कैन से कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, ठीक है। तो इससे हमें ये पता लगा कि SN1 रिएक्शन हमारी क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा स्टेप है, यानी कि इसमें 2 स्टेप है, ठीक है। और हमने आपका पढ़ा था कि जो आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं उसके अंदर कभी भी मॉलिक्यूलैरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं लगता, उसमें हमेशा ऑर्डर का कॉन्सेप्ट लगता है ना। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स में कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के हमेशा हम ऑर्डर की बात करते हैं, और एलिमेंट्री रिएक्शन के हम दोनों की बात कर सकते हैं, ऑर्डर की भी और मॉलिक्यूलैरिटी की भी, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के हम सिर्फ ऑर्डर की बात करते हैं। तो आपको मैं बता देती हूँ, ये जो SN1 रिएक्शन है इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो आपका 1 होता है, ठीक है, क्योंकि ये आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो इसीलिए मैं इस रिएक्शन के ऑर्डर की बात कर रही हूँ, मॉलिक्यूलैरिटी की बात नहीं कर रही। अब एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में यह आता है, अगर हम SN1 रिएक्शन के सिर्फ ऑर्डर की बात कर सकते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी की नहीं कर सकते, क्योंकि SN1 रिएक्शन आपका एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, क्योंकि उसके अंदर एक से ज्यादा स्टेप है, यानी कि 2 स्टेप है, ठीक है। तो फिर हमने यहाँ पर यूनिमोलिकुलर क्यों लिखा, तो हमने यहाँ पर इस 1 का मतलब यूनिमोलिकुलर क्यों निकाला। तो अगर आपको याद हो क्लास, तो मैंने आपको एक आपको केमिकल काइनेटिक्स के अंदर एक कंसेप्ट आपको बताया था कि जब भी हमारी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होती है और उस रिएक्शन को हम एक से ज्यादा स्टेप्स में, या फिर कह सकते हो एक से ज्यादा केमिकल रिएक्शंस के अंदर अगर हम उसे स्प्लिट कर सकते हैं, यानी कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जो कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और उसको हम एक से ज्यादा स्टेप्स के अंदर स्प्लिट कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं आपका, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास अलग अलग आपके स्टेप्स आ जाएंगे जिसके अंदर आपका वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ब्रेक हुआ हुआ है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो आपका SN1 रिएक्शन होता है वो आपका एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, तो SN1 का ओवरऑल रिएक्शन आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन वो ओवरऑल रिएक्शन आपका 2 स्टेप के अंदर ब्रेक हुआ हुआ है, ठीक है, और वो जो 2 स्टेप है वो अपने आप में क्या है, सिंपल स्टेप है, एलिमेंट्री स्टेप है। और हमें केमिकल काइनेटिक्स की नॉलेज से बहुत अच्छे से पता है कि आपका जो एलिमेंट्री स्टेप होते हैं, यानी कि जो सिंपल स्टेप होते हैं आपके, जो सिंपल रिएक्शंस होती हैं उसके अंदर हम मॉलिक्यूलैरिटी का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, लेकिन हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के ऊपर आपका मॉलिक्यूलैरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। तो यहाँ से हमें पता लगा आपका कि जो SN1 रिएक्शन है, जो आपकी ओवरऑल रिएक्शन है, उसके ऊपर मैं मॉलिक्यूलैरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकती, क्योंकि वो आपकी एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, लेकिन ये जो ओवरऑल रिएक्शन आपकी SN1 रिएक्शन आपकी जो 2 स्टेप के अंदर ब्रेक हुई हुई है, क्योंकि वो दोनों स्टेप आपके एलिमेंट्री स्टेप हैं, सिंपल रिएक्शंस हैं, तो उन दोनों स्टेप पर मैं मॉलिक्यूलैरिटी का कॉन्सेप्ट लगा सकती हूँ, ठीक है। और एक हमने रूल और भी पढ़ा था आपका केमिकल काइनेटिक्स में कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर हमें कैसे पता लगता है, हमें पता लगता है उसके स्लोएस्ट स्टेप से। तो आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का अगर आपको ऑर्डर बताना है तो हमेशा आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का सबसे पहले क्या देखते हो, आप मैकेनिज्म देखते हो, आप देखते हो कि उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को आपने कितने केमिकल रिएक्शंस में डिवाइड कर रखा है, फिर आप देखते हो कि कौन से वाला जो केमिकल रिएक्शन है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का वो आपका सबसे स्लोएस्ट स्टेप है, यानी कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को जो आपने बहुत सारे स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर रखा है, ठीक है, उनमें से कौन से वाला स्टेप आपका क्या है, सबसे स्लोएस्ट स्टेप है, यानी कि कौन से वाला स्टेप का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपका सबसे स्लो है, वो हमें आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है, अगर हमें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर बताना है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर बताने के लिए आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मैकेनिज्म देखनी पड़ती है, आपको ये देखना पड़ता है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को कौन कौन से स्टेप्स में आपका ब्रेक किया गया है, फिर आपको देखना पड़ता है कि कौन से वाले स्टेप का रेट ऑफ रिएक्शन सबसे स्लो है,
तो जिस भी स्टेप का रेट ऑफ द रिएक्शन सबसे स्लो होता है, यानी कि जो भी आपका स्टेप आपका स्लोएस्ट स्टेप होता है आपका, ठीक है, वो आपका क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ये हम ऑलरेडी केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को जिन भी स्टेप्स के अंदर या जिन भी रिएक्शंस में हम ब्रेक करते हैं, उन सब में से जिस भी रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है सबसे स्लो होता है, यानी कि जो आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है, उसे हम आपका बोलते हैं कि वो आपका रेट कंट्रोलिंग स्टेप होता है, यानी कि रेट को डिटरमिन करने वाला स्टेप होता है। उसी से ही आपको रेट ऑफ द रिएक्शन आपको पता लगती है, ठीक है। और आपको मैंने ये भी बताया था कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के इसी स्लोएस्ट स्टेप से आपको पता लगता है। कैसे पता लगता है? आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिखो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का को जिस जिस स्टेप्स में आपने ब्रेक कर रखा है उसे लिखो, फिर उसमें से आइडेंटिफाई करो कौन से वाले स्टेप का रेट ऑफ रिएक्शन सबसे स्लो है, यानी कि आप स्लोएस्ट स्टेप को आइडेंटिफाई करो, फिर उस स्लोएस्ट स्टेप का जो भी आपका मॉलिक्युलैरिटी होगा वही आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का क्या होगा, ऑर्डर होगा। तो क्योंकि SN1 रिएक्शन जो आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ठीक है, जिसे हमने दो स्टेप के अंदर आपका डिवाइड कर रखा है, उनमें से जो उन दोनों स्टेप्स में से जो भी आपका सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है, ठीक है, उसकी जो मॉलिक्युलैरिटी होती है क्योंकि वो वन होती है, तो इसीलिए SN1 रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो आपका वन होता है। तो यहाँ पर ये जो मैंने यूनिमोलिकुलर लिखा है ये मैंने उस SN1 रिएक्शन के ओवल स्टेप के लिए लिखा है, जोन सा स्टेप आपका क्या है, सबसे स्लो स्टेप है, यानी कि स्लोएस्ट स्टेप है आपका, तो उसकी मॉलिक्युलैरिटी के लिए मैंने आपका लिखा है यहाँ पर यूनिमोलिकुलर। तो यूनिमोलिकुलर का मतलब ये नहीं है कि आप ये ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्युलैरिटी की बात कर रहे हो, यहाँ पर आप SN1 रिएक्शन की ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्युलैरिटी की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर आप SN1 रिएक्शन के का जो आपका स्लोएस्ट स्टेप है, क्योंकि SN1 रिएक्शन आपका एक कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो उसको आपने दो स्टेप्स में डिवाइड कर रखा है, तो उन दोनों स्टेप में से जोन से स्टेप का रेट ऑफ द रिएक्शन आपका स्लो होगा, सबसे स्लो होगा उस रिएक्शन, वो वाला जो एलिमेंट्री स्टेप है आपका, उसका जो मॉलिक्युलैरिटी है वो आपका वन होता है, और वही आपका क्या होता है, ओवरऑल SN1 रिएक्शन का आपका ऑर्डर होता है, यानी कि ओवरऑल जो आपकी SN1 रिएक्शन है उसका ऑर्डर माना जाता है आपका, ठीक है, क्योंकि हमारा रूल है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो वही होता है जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के सबसे स्लोएस्ट वाले स्टेप का मॉलिक्युलैरिटी होता है, ठीक है। तो SN1 रिएक्शन का जो आपका सबसे स्लोएस्ट वाला स्टेप है उसकी मॉलिक्युलैरिटी आपकी क्योंकि वन होती है, इसलिए SN1 रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो आपका वन होता है। तो यहाँ पर यूनिमोलिकुलर का मतलब ये नहीं है कि ओवरऑल SN1 रिएक्शन का मॉलिक्युलैरिटी वन है, इसका मतलब ये है कि SN1 रिएक्शन जो कि आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसको जो हमने दो स्टेप्स के अंदर ब्रेक कर रखा है, उन दोनों में से जोन सा स्टेप आपका सबसे स्लो है उसका जो मॉलिक्युलैरिटी है क्योंकि वन होता है, क्योंकि वही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, तो इसीलिए हमने आपका SN1 के अंदर यहाँ पर जो वन लिखा है वो हमने उस स्लोएस्ट स्टेप की मॉलिक्युलैरिटी के बारे में लिखा है, ठीक है, यानी कि वो जो स्लोएस्ट स्टेप है आपका SN1 रिएक्शन का उसका मॉलिक्युलैरिटी आपका क्या है, वन है आपका, इसीलिए हमने यहाँ पर यूनिमोलिकुलर लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एक कंक्लूजन और निकला कि SN2 रिएक्शन जो होता है वो आपका सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, यानी कि इसका ऑर्डर 2 होता है, और SN1 रिएक्शन जो होता है वो आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, यानी कि इसका जो ऑर्डर होता है आपका वो आपका 1 होता है, ठीक है। अब हम आपका सबसे पहले SN2 रिएक्शन की डिटेल पढ़ेंगे, फिर हम आपका SN1 रिएक्शन की डिटेल पढ़ेंगे। तो पहले हम आपका पढ़ेंगे SN2 रिएक्शन की डिटेल, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया SN2 रिएक्शन जो होता है वो आपका सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को आपका फॉलो करता है, और ये आपका एक वन स्टेप रिएक्शन है। तो इसके अंदर क्या होता है आपका, तो इसके अंदर आपका जो एल्काइल हैलाइड होता है, यानी कि जो आपका हेलो एल्केन होता है जिसके अंदर आपका कार्बन हैलोजन बॉन्ड होता है, ठीक है, तो ये मैंने आपका ले लिया हेलो एल्केन और यू कैन से एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है आपका SN2 रिएक्शन के अंदर आपका जो हेलो एल्केन है यानी कि जो एल्काइल हैलाइड है उसके ऊपर जब आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो वो इस तरीके से अटैक करता है आपका कि न्यूक्लियोफाइल एक ही स्टेप के अंदर रिएक्शन को कंप्लीट कर देता है। कैसे करता है आपका, जैसे कि मैंने आपका फॉर एग्जांपल ये मैंने आपका एल्काइल हैलाइड ले लिया, दिस इज माय
CH3Cl, this is my CH3Cl, यानी कि this is my methyl chloride, ठीक है? तो मैंने आपका ये methyl chloride का molecule आपका बना रखा है, ये C है, ये H है, H है, H है, तो ये CH3 हो गया, और साथ में ये आपका chlorine हो गया, यानी कि halogen atom हो गया, तो ये मेरा क्या है? ये मेरा methyl chloride का molecule है, और हमें पता है आपका कि जो आपके alkyl halide होते हैं, ठीक है? जैसे कि आपका यहाँ पर हम मिथाइल हैलाइड आपका ले रहे हैं, तो एल्काइल हैलाइड के अंदर हैलोजन एटम और कार्बन एटम के बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। तो हैलोजन एटम यानी कि यहाँ पर क्लोरीन एटम आपका हैलोजन एटम है, वो जिस भी कार्बन से आपका डायरेक्टली अटैच है, जैसे कि यहाँ पर ये वाले कार्बन से वो डायरेक्टली अटैच है, तो इस कार्बन में और इस क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। ये क्लोरीन आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कार्बन आपका कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि हमें पता है जब भी दो एटम आपका बॉन्ड बनाते हैं और एक एटम आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है दूसरे एटम से, तो जो आपका एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके ऊपर पार्शियल चार्ज नेगेटिव आता है, और जो आपका कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसके ऊपर पार्शियल चार्ज पॉजिटिव आता है। तो कार्बन पर पार्शियल चार्ज पॉजिटिव होगा और क्लोरीन पर पार्शियल चार्ज नेगेटिव होगा। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है इस एल्काइल हैलाइड के ऊपर, ठीक है? तो ये आपका एल्काइल हैलाइड है जिसको हम आपका बोलते हैं मिथाइल हैलाइड, तो ये CH3 आपका मिथाइल का ग्रुप है और ये आपका क्लोराइड का ग्रुप है, तो दिस इज योर मिथाइल क्लोराइड। अब हम न्यूक्लियोफाइल कौन सा ले रहे हैं? न्यूक्लियोफाइल हम ले रहे हैं OH माइनस, ठीक है? न्यूक्लियोफाइल आपका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होता है, इसलिए मैं उसे NU माइनस से रिप्रेजेंट कर रही, ठीक है? तो न्यूक्लियोफाइल का मैंने आपका एग्जांपल ले लिया OH माइनस आयन, ठीक है? ये भी आपका इलेक्ट्रॉन रिच है। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि जितने भी एनायंस होते हैं दे एक्ट एज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, है ना? तो ये आपका OH माइनस आयन जो है ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर रहा है। तो जैसे ही OH माइनस को अपने मीडियम के अंदर ये मिथाइल क्लोराइड मिलेगा तो OH माइनस कहेगा मेरे पास तो नेगेटिव चार्ज है, मिथाइल क्लोराइड कहेगा कोई बात नहीं नेगेटिव चार्ज है, तो मिथाइल क्लोराइड बोलेगा मेरे भी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है? तो मिथाइल क्लोराइड बोलेगा मेरे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है पार्शियल, और OH माइनस कहेगा मेरे पास नेगेटिव है, तो वो ये वाला OH माइनस जो है नेगेटिव चार्ज वाला वो आपका अट्रैक्ट हो जाएगा इस कार्बन के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज से। तो मिथाइल क्लोराइड का जो कार्बन का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो OH माइनस के नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये OH माइनस आपका क्या करेगा? इजीली अटैक कर देगा इस कार्बन के ऊपर। तो एक तरीके से कार्बन जिस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, वो आपका अट्रैक्ट कर रहा है OH माइनस आयन को क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एंड वी नो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? कार्बन जो है वो बुला रहा है OH माइनस आयन को कि आके मेरे ऊपर अटैक कर, क्योंकि कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और OH माइनस आयन पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है? तो OH माइनस आयन फटाफट आपका अटैक करेगा इस कार्बन पर, है ना? वो कहेगा ये मुझे बुला रहा है तो मैं क्यों ना जाऊं, नेकी और पूछ पूछ, ठीक है? तो वो कहेगा OH माइनस आयन कहेगा कि मुझे कार्बन बुला रहा है तो मैं जरूर उस पर जाके अटैक करूंगा। तो OH माइनस आपका इस कार्बन के ऊपर आपका जिस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। अब कार्बन कहेगा मैंने बुला तो लिया इसको, लेकिन मैं इसे रखूंगा कहाँ? इस OH माइनस को रखूंगा कहाँ? क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है चार। अब कार्बन कितने बना सकता है? सिर्फ चार बॉन्ड बना सकता है ना? तो कार्बन तो ऑलरेडी चार बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कार्बन एक बॉन्ड ऊपर वाले हाइड्रोजन से बना रहा है, एक नीचे वाले हाइड्रोजन से बना रहा है, एक ये वाले हाइड्रोजन से बना रहा है, और एक आपका क्लोरीन के साथ बना रहा है। तो कार्बन तो ऑलरेडी यहाँ पर चार बॉन्ड बना रहा है। अब कार्बन का डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ने तो आपका अट्रैक्ट कर दिया OH माइनस आयन को, यानी कि कार्बन के इस डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ने तो बुलावा दे दिया OH माइनस आयन को कि आ जा आके मुझ पे अटैक कर ले, ठीक है? लेकिन कार्बन ने बुलावा तो दे दिया उसको, लेकिन अब खुद कार्बन परेशान है क्या? वो कहेगा भी मेरे पास तो चार चार बॉन्ड है, मेरी चार ही वैलेंसी है और चार ही बॉन्ड मैं बना रहा हूं, तो अब मैं इस OH माइनस आयन के साथ पांचवा बॉन्ड कैसे बनाऊं? क्योंकि OH माइनस आयन तभी अटैक कर पाएगा इस कार्बन के ऊपर जब ये कार्बन इस OH माइनस के साथ बॉन्ड बनाएगा, तभी आपका ये OH माइनस इस कार्बन पर अटैक कर पाएगा, ठीक है? तो अब कार्बन कहेगा कुछ तो मुझे सोचना पड़ेगा, मैंने उसे बुला तो लिया है OH माइनस आयन को, यानी कि OH माइनस आयन को मैंने अट्रैक्ट तो कर लिया है, ठीक है?
तो अब मुझे OH माइनस आयन को चांस भी देना पड़ेगा कि वो मेरे साथ जो है वो बॉन्ड बनाए, तो कार्बन कहेगा अब तो वही देना पड़ेगा OH माइनस आयन को चांस, ठीक है। तो कार्बन कहेगा चलो ठीक है मुझे थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब वो क्या सेक्रीफाइस करेगा, वो कहेगा चल ठीक है क्लोरीन भाई तू निकल जा यहाँ से, क्योंकि मुझे इस OH माइनस आयन को घर में एंट्री देनी है, ठीक है। अब क्लोरीन एटम कार्बन से ये कहेगा कि मैं अपना बॉन्ड तेरे साथ नहीं तोड़ूंगा जब तक कि तू अपना बॉन्ड OH माइनस आयन के साथ नहीं जोड़ता। यानी कि क्लोरीन एटम कार्बन एटम को इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि मैं तेरा साथ तब तक नहीं छोड़ूंगा, यानी कि मैं घर से तब तक नहीं निकलूंगा जब तक तू घर के अंदर OH माइनस आयन को एंट्री नहीं दे देता। अब कार्बन आ गया प्रॉब्लम में, क्योंकि कार्बन के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो घर में एंट्री ही OH माइनस आयन को तब दे सकता है जब क्लोरीन आपका निकल जाए घर से, है ना। यानी कि केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम कहेंगे कि कार्बन आपका OH माइनस आयन के साथ बॉन्ड तभी बना सकता है जब कार्बन अपना बॉन्ड इस क्लोरीन के साथ तोड़ दे, ठीक है। तो कार्बन कहेगा चलो फिर एक सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। तो कार्बन क्या कहेगा, कार्बन कहेगा OH माइनस तो जैसे जैसे अपना बॉन्ड यहां से मेरे साथ बनाता जाएगा वैसे वैसे क्लोरीन अपना बॉन्ड मेरे साथ यहां से तोड़ता जाएगा। तो यहां से OH माइनस के साथ कार्बन बॉन्ड बना रहा है और वैसे वैसे आपका क्लोरीन एटम यहां से बॉन्ड आपका कार्बन के साथ तोड़ता जा रहा है। तो एक साइड से OH माइनस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, और दूसरी साइड से कॉरेस्पॉन्डिंगली यानी कि साइमल्टेनियसली क्लोरीन एटम अपना बॉन्ड कार्बन के साथ तोड़ेगा। तो उसे मैंने आपका इस तरीके से आपका रिप्रेजेंट कर रखा है। आप देख सकते हो कार्बन के साथ ये तीन हाइड्रोजन एज इट इज मैंने यहाँ पर बना रखे हैं, ठीक है। और इस साइड से OH माइनस धीरे धीरे इस कार्बन के साथ आपका बॉन्ड बना रहा है। तो देखो OH माइनस इस साइड से धीरे धीरे पार्शियली बॉन्ड मेकिंग कर रहा है इस कार्बन के साथ, ठीक है। और कॉरेस्पॉन्डिंगली यानी कि साइमल्टेनियसली क्लोरीन एटम इस कार्बन के साथ अपना बॉन्ड पार्शियली तोड़ता जा रहा है। तो क्लोरीन एटम पार्शियली इस कार्बन से अपना बॉन्ड तोड़ता जा रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो क्योंकि OH माइनस अपना बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना रहा है तो धीरे धीरे उसका नेगेटिव चार्ज कम होता जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर OH माइनस पार्शली जो अपना बॉन्ड बना रहा है इस कार्बन के साथ तो उसका नेगेटिव चार्ज कम हो गया, अब वो डेल्टा नेगेटिव हो गया। पहले वो फुल नेगेटिव था अब वो डेल्टा नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब क्लोरीन एटम यहाँ से कार्बन के साथ अपना बॉन्ड तोड़ता जा रहा है तो धीरे धीरे उस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो क्लोरीन पर आपका क्या आ गया, डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि वो कार्बन से अपना बॉन्ड यहाँ से तोड़ रहा है। तो यानी कि इस साइड से क्लोरीन अपना बॉन्ड तोड़ता जाएगा इस कार्बन से, साइमल्टेनियसली OH माइनस यहाँ से अपना बॉन्ड आपका कार्बन के साथ बनाता जाएगा। तो दोनों प्रोसेस क्या होंगी, एक साथ होंगी। एक तरफ से OH माइनस अपना बॉन्ड कार्बन इस कार्बन के साथ जोड़ेगा, साइमल्टेनियसली ये क्लोरीन एटम अपना बॉन्ड इस कार्बन के साथ आपका तोड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरी बीच की एक क्या बन जाएगी, ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर में बताया है कि ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट होती है जिसमें पार्शियली बॉन्ड ब्रेकिंग और पार्शियली बॉन्ड मेकिंग होती है। तो क्योंकि इस स्टेट के अंदर भी पार्शियली बॉन्ड मेकिंग और पार्शियली बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, कार्बन OH माइनस के साथ पार्शियली बॉन्ड बना रहा है और क्लोरीन के साथ पार्शियली बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, तो ये भी आपका क्या हो गया, एक तरीके से ट्रांजिशन स्टेट हो गई। इसे हम आपका बोलते हैं पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि ऐसे ट्रांजिशन स्टेट जिसमें कार्बन जो है वो पांच एटम्स के साथ या ग्रुप्स के साथ आपका अटैच है, ठीक है, जिसमें से तीन एटम्स तो आपके पूरे पूरे बॉन्ड आपके कार्बन के साथ बना रहे हैं और जो चौथा बॉन्ड है आपका कार्बन का वो आपका दो में डिवाइड हो गया, आपका पार्शियली कार्बन क्लोरीन में और पार्शियली कार्बन OH के अंदर, ठीक है। तो तीन बॉन्ड तो ये वाला कार्बन आपका इन तीन हाइड्रोजन के साथ पूरे पूरे बना रहा है और जो चौथा बॉन्ड है कार्बन का वो आपका दो में डिवाइड हो गया है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड आधा कार्बन क्लोरीन में और आधा कार्बन OH के अंदर डिवाइड हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है। तो ये बेटा काफी अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होती है आपकी, ठीक है, और क्योंकि ये बहुत ही अनस्टेबल है आपकी तो इसलिए हम इसको आइसोलेट नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते मिक्सचर में से, ठीक है। तो जैसे ही ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट, वैसे ही आपका क्या होता है, ये आपका फटाफट से प्रोडक्ट आपको दे देती है, ठीक है। तो जब ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है आपकी, ठीक है, तो
आपका क्या होता है, एट द एंड आपका फिर आपको प्रोडक्ट मिल जाता है जिसके अंदर OH आपका कंप्लीटली इस कार्बन के साथ ज्वाइन हो जाता है और कार्बन का बॉन्ड क्लोरीन के साथ कंप्लीटली टूट जाता है। तो आप देख सकते हो मैंने कार्बन के साथ ये तीन हाइड्रोजन आपके प्रोडक्ट में बना रखे हैं, कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड मैंने प्रोडक्ट में नहीं बनाया, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन आपका क्लोराइड आयन की फॉर्म में आपका निकल गया है, ठीक है, और कार्बन का बॉन्ड मैंने OH के साथ कंप्लीटली आपका बना दिया है, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ। कैसे हुआ आपका, ये वाला जो क्लोरीन है क्लोराइड आयन की फॉर्म में निकल गया और उसकी जगह पर OH माइनस आपका कार्बन के पास जाकर के अटैच हो गया है ना। तो इसका मतलब कार्बन से ये क्लोराइड आयन गया, उसकी जगह पर ये OH माइनस आकर के लग गया, तो ये मेरा क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब क्योंकि ये रिएक्शन मेरा एक ही स्टेप के अंदर हुआ, क्योंकि हम ट्रांजिशन स्टेट को तो कंसीडर करते नहीं है क्योंकि ये बहुत अनस्टेबल होती है, इसको हम निकाल नहीं सकते मीडियम में से, मतलब ये जो ट्रांजिशन स्टेट आपकी बनती है इसको आप रिएक्शन मिक्सचर से निकाल नहीं सकते क्योंकि अनस्टेबल होती है। ये चीज हम केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ चुके हैं कि जितनी भी ट्रांजिशन स्टेट्स होती हैं उसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते मीडियम में से, हम निकाल नहीं सकते। जैसे अपने मीडियम में से हम रिएक्शन मिक्सचर का जो मीडियम है उसमें से मैं ये मिथाइल क्लोराइड निकाल सकती हूँ और ये आपका मिथेनॉल निकाल सकती हूँ, लेकिन मैं इस ट्रांजिशन स्टेट को मैं मिक्सचर के अंदर मिक्सचर में से आपका नहीं निकाल सकती, ठीक है, क्योंकि ये आपकी बहुत अनस्टेबल होती है, ठीक है। तो जैसे ही ये बनती है ये फटाफट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली हुआ क्या है, क्लोरीन एटम क्लोराइड आयन की फॉर्म में चला गया है और उसकी जगह पर OH माइनस ने आपका कार्बन को ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। तो क्लोराइड आयन इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय द OH माइनस आयन, तो इसे हम आपका क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि OH माइनस आपका न्यूक्लियोफाइल था, उसने आपका रिप्लेस कर दिया किसको, क्लोराइड आयन को, यानी कि सब्स्टिट्यूट कर दिया क्लोराइड आयन को, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारी क्या हो गई, आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये रिएक्शन आपकी वन स्टेप मैकेनिज्म ही मानी जाएगी क्योंकि इस ट्रांजिशन स्टेट को तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, ये तो सिर्फ हमारे समझाने के लिए होती है और समझने के लिए होती है, ठीक है, इसकी एज सच कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। तो देखा जाए तो अगर हम इसको कंसीडर ना करें तो हमारा रिएक्टेंट आपका OH माइनस के अटैक की वजह से, यानी कि ये मिथाइल क्लोराइड आपका OH माइनस के अटैक की वजह से डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो गया, आपका इस मिथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो गया है ना। दिस इज योर मिथेनॉल, दिस इज योर CH3OH, ठीक है, तो ये आपका क्या है, मिथेनॉल बन गया, मिथेनॉल, यानी कि ये है बेसिकली CH3OH। तो एक ही स्टेप के अंदर हो गया ना, OH माइनस आयन ने क्लोराइड आयन को रिप्लेस कर दिया, तो क्लोरीन की जगह पे आपका क्या आ गया, OH आ गया आपका, ठीक है। तो ये आपका पहले आपका मिथाइल क्लोराइड था, CH3Cl था, अब Cl की जगह पे क्या आ गया, OH आ गया, तो ये बन गया CH3OH, तो ये इसका नाम क्या हो गया, मिथेनॉल हो गया आपका, ठीक है। अब क्योंकि यहां पर जो आपकी नजर आ रही है चीज वो आपकी क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस मैकेनिज्म के, पहला तो ये कि आपकी वन स्टेप मैकेनिज्म है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपकी ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसकी कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, तो हम इस रिएक्शन को हम वन स्टेप रिएक्शन ही मानेंगे कि क्लोरीन आटम क्लोराइड आयन की फॉर्म में निकल गया और उसकी जगह पर OH माइनस ने आपका कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है, तो ये आपकी वन स्टेप मैकेनिज्म है। अब दूसरा फीचर इस रिएक्शन का क्या है, दूसरा फीचर इस रिएक्शन का ये है कि यहाँ पर इस कार्बन एटम पर ये जो OH माइनस जो कि आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये इस कार्बन एटम पर उस साइड से अटैक करेगा जिस साइड से क्लोराइड आयन से उसका डिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम हो, यानी कि अगर OH माइनस आयन को अटैक करना है इस कार्बन पे, कार्बन से, तो वो इस क्लोरीन एटम की अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करेगा। अगर क्लोरीन एटम यहाँ पर फ्रंट साइड पे आपका अटैच हुआ हुआ है, ठीक है, तो OH माइनस हमेशा बैक साइड से अटैक करेगा, यानी कि OH माइनस मैक्सिमम डिस्टेंस आपका इस क्लोरीन एटम से रखेगा अटैकिंग के दौरान, ठीक है, ठीक है। क्यों रखेगा वो आपका मैक्सिमम डिस्टेंस इस क्लोरीन एटम से, क्योंकि इस क्लोरीन एटम पर क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और OH माइनस पर भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। और वैसे भी अगर सपोज करो ये OH माइनस उसी साइड से अटैक करे जिस साइड से आपका क्लोरीन एटम निकल रहा है, तो OH माइनस और क्लोरीन एटम दोनों पास पास आ जाएंगे, दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है
और दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर दो ग्रुप्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं तो क्राउडिंग हो जाती है, ठीक है। और क्राउडिंग होने की वजह से आपका कौन सा फैक्टर आपका पिक्चर के अंदर आता है, वो आपका आता है स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर। तो बेटा ये चीज याद रखो, जब भी दो ग्रुप्स आपके आपस में बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं तो वो दो ग्रुप्स एक दूसरे को रिपेल करने लग जाते हैं, और इस रिपल्शन को हम आपका बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। जैसे कि अगर OH- यहां से अटैक करता इस कार्बन एटम के ऊपर, जिस साइड से आपका क्लोरीन एटम क्लोराइड आयन की फॉर्म में निकल रहा है, तो OH- आयन और क्लोरीन एटम के बीच में दूरी क्या होती, बहुत कम होती। अब दोनों पर ही नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को इंटर इलेक्ट्रॉनिकली तो रिपेल करेंगे ही करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब दोनों आपके एक दूसरे के क्लोज आएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, आपका स्टेरिक हिंड्रेंस भी आपकी बढ़ेगी। यानी कि दो फैक्टर्स की वजह से OH- और ये क्लोरीन आपके एक दूसरे को रिपेल करेंगे। पहला तो इलेक्ट्रॉनिकली फैक्टर की वजह से, क्योंकि दोनों पर सेम नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और दूसरा फैक्टर आपका स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि जब भी दो ग्रुप्स आपके जरूरत से ज्यादा क्लोज आ जाते हैं तो वो एक दूसरे को स्टेरिक हिंड्रेंस के थ्रू आपका रिपेल करते हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर OH- आए उसी साइड से अटैक करें जिस साइड से आपका क्लोरीन एटम निकल रहा है, तो क्लोरीन एटम और OH- आयन के बीच में दूरी क्या होगी, बहुत कम होगी। दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, जिसकी वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन और स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से OH- आपका इस कार्बन के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब इसी वजह से आपका OH- आपका बैक साइड से, यानी कि पीछे से अटैक करता है इस कार्बन के ऊपर, ताकि उसकी जो दूरी है इस क्लोरीन एटम से, जो कि आपका एक लीविंग ग्रुप है, इससे आपकी क्या हो, मैक्सिमम हो, ठीक है। तो क्लोरीन एटम से मैक्सिमम दूरी से आपका OH- जो है, आयन जो है आपका, इस कार्बन से कार्बन के ऊपर अटैक करता है। और इसका मतलब ये, अगर क्लोरीन एटम फ्रंट साइड से अटैच हुआ हुआ है इस कार्बन से, तो OH- बैक साइड से अटैक करेगा इस कार्बन से, ठीक है। तो OH- आयन जो है ये आपका अटैकिंग स्पीशीज है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, और क्लोरीन एटम आपका क्लोराइड आयन की फॉर्म में एक लिविंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है, यानी कि ये निकल रहा है आपका। तो एंटरिंग ग्रुप आपका OH- हो गया, और क्लोरीन एटम एज क्लोराइड आयन आपका निकल जाएगा, यानी कि लिविंग ग्रुप हो जाएगा वो आपका, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूं मैं, जब भी न्यूक्लियोफाइल आपका बैक साइड से अटैक करता है तो हमेशा कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इन्वर्ट हो जाती है, और उसे हम आपका कहते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो क्योंकि यहाँ पर भी OH- न्यूक्लियोफाइल आपका बैक साइड से अटैक करेगा आपका लीविंग ग्रुप के, ठीक है, ताकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम से कम हो, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम से कम हो, जिसकी वजह से प्रोडक्ट के अंदर जो आपका ये न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है वो आपका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगता है आपका, जिस डायरेक्शन से आपका लीविंग ग्रुप आपका निकल रहा है उसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो यानी कि क्योंकि OH ग्रुप आपका अपोजिटली डायरेक्शन के अंदर आपका अटैच हुआ है इस कार्बन से, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन से अटैच हुआ है, यानी कि बैक साइड से अटैच हुआ है आपका इस कार्बन से, और फ्रंट वाली साइड से आपका लीविंग ग्रुप क्लोरीन एटम निकला है, तो दोनों का क्योंकि डायरेक्शन एकदम अपोजिट है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट के अंदर जो आपका जो प्रोडक्ट बना है आपका, वो आपका क्या बना है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन के साथ बना है, ठीक है, जिसमें मैं ऑलरेडी डिटेल में आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। तो हमेशा जब भी आपका SN2 रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन हमेशा इन्वर्टेड होगी इन कंपैरिजन टू रिएक्टेंट के, ठीक है, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म के अंदर हमेशा न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा और लीविंग ग्रुप आपका फ्रंट साइड से निकलेगा। तो क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एकदम अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है, जस्ट अपोजिट है, तो इसीलिए प्रोडक्ट के अंदर जो आपका कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हमेशा क्या होगा, इन्वर्टेड होगा इन कंपैरिजन टू रिएक्टेंट के, ठीक है। यानी कि जिस डायरेक्शन में आपका लिविंग ग्रुप कार्बन के साथ अटैच था उससे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आपका OH- आपका कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा प्रोडक्ट के अंदर, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन आपकी क्या होगी, इन्वर्ट हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू योर रिएक्टेंट, ठीक है। अब क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि ये जो SN2 मैकेनिज्म है ये आपकी वन स्टेप मैकेनिज्म है, तो अगर ये SN2 मैकेनिज्म आपकी वन स्टेप मैकेनिज्म है, एक ही स्टेप के अंदर अगर आपका सारा का सारा प्रोसेस हो जाता है, तो अगर किसी रिएक्शन के अंदर एक ही स्टेप होगा तो वही स्लो स्टेप होगा,
वही आपका क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, है ना। क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है उसका तो समझ में आता है, उसमें बड़े सारे स्टेप्स होते हैं, तो फिर उसमें देखना पड़ता है हमें कि कौन सा वाला जो स्टेप है वो रेट कंट्रोलिंग स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। उसके लिए हमें देखना पड़ता है उन सभी स्टेप्स में से सबसे ज्यादा स्लो स्टेप कौन सा है ना। तो अगर किसी रिएक्शन में हो ही एक स्टेप तो वही स्लो होगा आपका, और वही आपका क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग होगा आपका, है ना। तो क्योंकि SN2 मैकेनिज्म आपकी वन स्टेप रिएक्शन है आपकी, तो यही एक स्टेप आपका रेट को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। तो जितना इजीली न्यूक्लियोफाइल आपका इस अल्काइल लाइट के ऊपर अटैक कर पाएगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा, फास्ट रिएक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि ये रिएक्शन आपकी वन स्टेप रिएक्शन है, और इस वन स्टेप रिएक्शन के अंदर आपके दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपके इन्वॉल्व है, ठीक है, यानी कि दो रिएक्टेंट स्पीशीज आपकी इन्वॉल्व है। पहली तो एल्काइलेट की स्पीशीज और दूसरी आपकी OH- आयन की स्पीशीज, यानी कि न्यूक्लियोफाइल की स्पीशीज, ठीक है। तो इसीलिए आपका इस केस में रेट ऑफ द रिएक्शन आपका दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। क्योंकि ये क्योंकि SN2 रिएक्शन आपकी वन स्टेप रिएक्शन है, और इस वन स्टेप के अंदर आपके दो रिएक्टेंट्स आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना। तो रेट ऑफ द रिएक्शन इन दोनों रिएक्टेंट्स के ऊपर आपकी क्या करेगी, डिपेंड करेगी, ठीक है। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि SN2 रिएक्शन आपका सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को आपका फॉलो कर रही है, क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ द रिएक्शन आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एल्काइललाइट की कंसेंट्रेशन के और न्यूक्लियोफाइल के कंसेंट्रेशन के। क्योंकि SN2 मैकेनिज्म के अंदर आपका एक ही स्टेप होता है रिएक्शन का, और उस एक स्टेप में रिएक्टेंट वाली साइड के ऊपर आपके दो स्पीशीज होते हैं, एक होता है एल्काइललाइट और एक होता है OH- आयन। तो रेट ऑफ द रिएक्शन आपकी अल्टीमेटली इन दोनों के ऊपर आपकी डिपेंड करती है, ठीक है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन आपकी एल्काइललाइट के ऊपर भी डिपेंड कर रही है और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी डिपेंड कर रही है, यानी कि उनकी कंसेंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो SN2 मैकेनिज्म आपकी सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, और इसमें रेट ऑफ द रिएक्शन आपका एल्काइललाइट की कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है और न्यूक्लियोफाइल की कंसेंट्रेशन के ऊपर आपका डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये जो आपका रेट लॉ है, एल्काइललाइट की भी पावर 1 है, न्यूक्लियोफाइल की भी पावर 1 है, तो 1+1 आपका क्या हो गया, 2 हो गया। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो गया इसका, 2 हो गया आपका, ठीक है। तो इसका मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म के अंदर एल्काइललाइट और न्यूक्लियोफाइल दोनों के ऊपर आपका डिपेंड कर रही है। तो यानी कि जो रिएक्टिविटी है आपकी वो दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी इस रिएक्शन की, एल्काइललाइट के ऊपर भी और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी आपका, ठीक है। क्योंकि रेट ऑफ द रिएक्शन आपकी दोनों के ऊपर आपकी डिपेंड कर रही है, और रेट ऑफ द रिएक्शन अगर फास्ट होगी तो हम कहेंगे रिएक्टिविटी ज्यादा है रिएक्शन की, अगर रेट ऑफ द रिएक्शन स्लो होगी तो हम कहेंगे रिएक्टिविटी कम है आपकी रिएक्शन की, ठीक है। तो इसका मतलब रिएक्टिविटी ज्यादा है या कम है वो किस चीज पे डिपेंड कर रही है, आपकी रेट ऑफ द रिएक्शन पे डिपेंड कर रही है, और रेट ऑफ द रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, एल्काइललाइट की कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन के ऊपर। तो इसीलिए हम आपका बोलते हैं कि SN2 मैकेनिज्म के अंदर हमारे पास दोनों चीजें आपकी मैटर करती हैं, ठीक है, यानी कि एल्काइललाइट भी मैटर करता है आपका और OH- आयन भी आपका मैटर करता है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल भी आपका मैटर करता है। तो SN2 मैकेनिज्म के अंदर दोनों ही स्पीशीज आपकी मैटर करती हैं हमारे लिए, यानी कि इन दोनों स्पीशीज की, एल्काइललाइट और न्यूक्लियोफाइल, दोनों स्पीशीज की कंसंट्रेशन और नेचर दोनों मैटर करता है, क्योंकि दोनों ही दोनों के ऊपर आपका रेट ऑफ द रिएक्शन आपकी डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि कैसे एल्काइललाइट के ऊपर रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड कर रही है और कैसे न्यूक्लियोफाइल के ऊपर आपका रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं एल्काइललाइट के ऊपर, ठीक है। तो बेटा एल्काइललाइट के अंदर अगर आपका यहाँ पर क्लोरीन की जगह ब्रोमीन हो या फिर आयोडीन हो तो उस केस में रिएक्शन आपकी फास्ट होगी या स्लो होगी, ये अब हमें आपका देखना है, ठीक है। यानी कि अब हमें आपका देखना है कि अगर हम एल्काइललाइट में जो हेलोजन आइटम है उसको हम वेरी करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से, तो रेट ऑफ द रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म की कैसे अफेक्ट होगी। यानी कि अगर हम आपको बोला जाए कि रिएक्टिविटी ऑर्डर बताओ आप एल्काइललाइट का SN2 मैकेनिज्म के अंदर, तो वो क्या होगा। यानी कि अगर आपको दिया जा रहा है एल्काइल फ्लोराइड, एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड, आपको बोला जा रहा है इन चारों एल्काइललाइट में से कौन सा वाला एल्काइललाइट
SN2 रिएक्शन से फास्टली रिएक्ट करेगा और कौन से वाला एल्काइललाइट SN2 रिएक्शन से स्लोली रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो हमें पता बेटा कि SN2 मैकेनिज्म के अंदर आपका जो मेन चीज है वो क्या है आपका, कि कार्बन हैलोजन का बॉन्ड आपका टूटना चाहिए। तो जैसे जैसे कार्बन हैलोजन का बॉन्ड टूट रहा है वैसे वैसे OH- आयन आपका इस कार्बन के ऊपर अटैक कर पा रहा है और बॉन्ड बना पा रहा है। तो OH- आयन यानी कि न्यूक्लियोफाइल आपका इस कार्बन के ऊपर अटैक इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि कार्बन हैलोजन का बॉन्ड आपका टूट पा रहा है। तो अगर ये कार्बन हैलोजन का बॉन्ड आपका स्ट्रांग होगा तो ये न्यूक्लियोफाइल OH- आयन उतना इजीली इस कार्बन के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि कार्बन का इस हैलोजन के साथ बॉन्ड स्ट्रांग है तो वो आपका टूट नहीं पाएगा, है ना। और अगर हमारा और जब तक हम आपका कार्बन का हैलोजन से बॉन्ड तोड़ नहीं पाएंगे तब तक आपका OH- आयन आपका अटैक नहीं करेगा, क्योंकि हमें पता है दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हो रही है। यहां से OH- आपका कार्बन से अटैच हो रहा है, साइमल्टेनियसली यहां से हैलोजन एटम आपका कार्बन से जा रहा है, आपका दूर जा रहा है, यानी कि बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहां से हैलोजन एटम कार्बन के साथ बॉन्ड ना ब्रेक करे तो कार्बन अपना इस साइड से OH- के साथ अटैच नहीं हो सकता। तो कार्बन आपका OH- से इस साइड से अटैच इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि कार्बन अपना बॉन्ड हैलोजन के साथ इस साइड से तोड़ पा रहा है। ठीक है, तो कार्बन हैलोजन का बॉन्ड अगर स्ट्रांग होगा तो आपका OH- आयन का अटैक इस कार्बन के ऊपर डिफिकल्टी से होगा क्योंकि OH- आयन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में डिफिकल्टी फेस करेगा क्योंकि ये कार्बन अपना बॉन्ड हैलोजन के साथ नहीं तोड़ पा रहा है क्योंकि वो बॉन्ड स्ट्रांग है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कार्बन का हैलोजन के साथ बॉन्ड स्ट्रांग होता है तो ये एल्काइल लाइट का मॉलिक्यूल के ऊपर आपका OH- आयन का अटैक इजिली नहीं हो पाएगा और रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे आपका कार्बन हैलोजन के बॉन्ड ब्रेकिंग के ऊपर डिपेंड करती है, जितना आपका कार्बन हैलोजन का बॉन्ड वीक होगा उतना इजिली कोई भी न्यूक्लियोफाइल आपका एल्काइल लाइट के मॉलिक्यूल पर अटैक करके आपका SN2 मैकेनिज्म के थ्रू आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर पाएगा। तो हम ये कह सकते हैं जितना आपका कार्बन हैलोजन बॉन्ड आपका वीक होगा उतना इजिली SN2 रिएक्शन से आपका जो रिएक्टिविटी होगा यानी कि रेट ऑफ द रिएक्शन जो होगा वो आपका क्या होगा, फास्ट होगा। यानी कि जितना ज्यादा कार्बन हैलोजन बॉन्ड आपका वीक होगा हेलो एल्केन के अंदर उतना आपका जो रिएक्टिविटी होगा रिएक्शन का वो आपका ज्यादा होगा, यानी कि उतनी ही रिएक्शन आपकी जो होगी फास्ट होगी SN2 मैकेनिज्म से। तो अगर हम चाहते हैं SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन जो है वो फास्ट हो तो उसके लिए कार्बन हैलोजन बॉन्ड आपका क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए। ठीक है, और हमें पता है कार्बन हैलोजन बॉन्ड आपका वीक कब होगा, जब हैलोजन एटम बड़ा होगा साइज के अंदर, है ना, क्योंकि अगर हैलोजन एटम आपका बड़ा होगा साइज के अंदर तो कार्बन और हैलोजन के बीच में आपका डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि बॉन्ड लेंथ लंबी होगी और हमें पता है कोई भी बॉन्ड लेंथ जो लंबी होती है वो वीक होती है, है ना। तो अगर हम चाहते हैं कि कार्बन हैलोजन का बॉन्ड आपका वीक हो तो हमें इस बॉन्ड लेंथ को लंबा करना पड़ेगा, और ये बॉन्ड लेंथ लंबी कब होगी, जब हैलोजन एटम क्या होगा, बिगर साइज का होगा। तो कहने का मतलब ये है क्योंकि आयोडीन एटम आपका बिगर साइज का होता है, तो जब आयोडीन आपका तो एल्काइल आयोडाइड के मॉलिक्यूल के अंदर जब आयोडीन एटम आपका कार्बन के साथ अटैच होगा तो कार्बन और हैलोजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो बहुत ज्यादा होगा क्योंकि आयोडीन एटम का साइज क्या है, बड़ा है। तो कार्बन और आयोडीन का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो बहुत ज्यादा होगा, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो मतलब बॉन्ड वीक, हमें तो पता ही है ये चीज, जितना ज्यादा बॉन्ड शॉर्ट होता जाता है उतना ज्यादा वो स्ट्रांग होता जाता है, जितना ज्यादा बॉन्ड लंबा होता जाता है उतना ज्यादा वो वीक होता जाता है। और बॉन्ड लंबा कब होता है, जब एटम बड़े होते हैं साइज के अंदर, और बॉन्ड छोटा कब होता है, जब एटम छोटे होते हैं साइज के अंदर। तो क्योंकि आयोडीन एटम आपका बड़ा है साइज के अंदर, ठीक है, तो एल्काइल आयोडाइड के मॉलिक्यूल के अंदर आयोडीन एटम और कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो आपका लंबा होगा, तो बॉन्ड वीक होगा, बॉन्ड वीक होगा तो SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। ठीक है, और फ्लोरीन के केस में आपका जो आपका बॉन्ड होगा कार्बन और फ्लोरीन का वो आपका क्या होगा, स्ट्रांग होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, तो यानी कि एल्काइल फ्लोराइड के मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन और फ्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो आपका शॉर्टर होगा क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा, बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो
एसएन2 मैकेनिज्म से रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है अल्काइल फ्लोराइड जो होंगे वो आपका सबसे स्लो रिएक्शन शो करेंगे एसएन2 मैकेनिज्म से, और अल्काइल आयोडाइड आपका सबसे फास्ट रिएक्शन शो करेंगे आपका एसएन2 मैकेनिज्म से, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल बी फास्टेस्ट इन अल्काइल आयोडाइड एंड स्लोएस्ट इन अल्काइल फ्लोराइड। तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, आपका ऑर्डर हो जाएगा आपका अल्काइल फ्लोराइड में सबसे स्लो होगी रिएक्शन, अल्काइल क्लोराइड में थोड़ी सी ज्यादा फास्ट होगी, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन एटम का साइज बढ़ गया, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हैलोजन एटम का साइज बढ़ता जाएगा आपका, यानी कि जैसे जैसे एक्स एटम का साइज बढ़ता जाएगा कार्बन एक्स बॉन्ड आपका वीक होता जाएगा और SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन फास्ट होता जाएगा। तो यानी कि जैसे जैसे हैलोजन एटम का साइज बढ़ता जाएगा SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन फास्ट होता जाएगा। तो फ्लोरीन का साइज छोटा है, क्लोरीन का साइज बड़ा है, तो अल्काइल क्लोराइड जो होगा वो ज्यादा फास्ट रिएक्शन शो करेगा इन कंपैरिजन टू अल्काइल फ्लोराइड। सिमिलरली अल्काइल ब्रोमाइड का साइज, ब्रोमीन का साइज जो है वो क्लोरीन से ज्यादा है, तो अल्काइल ब्रोमाइड आपका फास्टर रिएक्शन शो करेगा इन कंपैरिजन टू अल्काइल क्लोराइड। सिमिलरली आयोडीन का साइज आपका ब्रोमीन से बड़ा है, तो अल्काइल आयोडाइड फास्टर रिएक्शन शो करेगा इन कंपैरिजन टू अल्काइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो क्योंकि लेफ्ट से राइट पर हम जा रहे हैं तो हैलोजन एटम का साइज बढ़ता जा रहा है, तो कार्बन हैलोजन बॉन्ड वीक होता जा रहा है, इसीलिए SN2 मैकेनिज्म से जो रिएक्शन होगी वो और ज्यादा फास्ट होती जाएगी, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी फास्ट होती जाएगी। तो आप देख सकते हो कैसे नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से आपका रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, है ना। तो आप देख सकते हो कि कैसे नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड जो है वो आपका SN2 मैकेनिज्म से रेट ऑफ द रिएक्शन को आपका कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो अगर नेचर ऑफ द अल्काइल हैलाइड अल्काइल आयोडाइड है तो रिएक्शन का रेट आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट SN2 मैकेनिज्म से फास्टेस्ट होगा, और अगर आपका अल्काइल हैलाइड अल्काइल फ्लोराइड है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से आपका जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगा आपका SN2 मैकेनिज्म से वो आपका क्या होगा, स्लोएस्ट होगा। तो आप देख सकते हो कि कैसे नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड आपका रेट ऑफ द रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है। अगर ये अल्काइल हैलाइड अल्काइल आयोडाइड होगा तो रेट ऑफ द रिएक्शन फास्ट होगा, अगर ये अल्काइल हैलाइड आपका अल्काइल फ्लोराइड होगा तो रेट ऑफ द रिएक्शन आपका स्लो होगा। तो अल्काइल आयोडाइड के केस में रेट ऑफ द रिएक्शन फास्टेस्ट, अल्काइल फ्लोराइड के केस में रेट ऑफ द रिएक्शन स्लोएस्ट, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला फैक्टर आपका, ठीक है। अब और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड को अफेक्ट करते हैं, तो बेटा अब आपका एक और फैक्टर जो आपका आता है वो आपका आता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड का। यानी कि सपोज करो आपके पास है ये वाला अल्काइल हैलाइड, ये वाला अल्काइल हैलाइड और आपका है एक ये वाला अल्काइल हैलाइड। आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं दिस इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, क्योंकि हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच्ड है वो आगे एक कार्बन से अटैच्ड है। दिस इज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, क्योंकि हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच्ड है वो आगे दो कार्बन से अटैच्ड है। एंड दिस इज योर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, क्योंकि हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच्ड है वो आगे तीन कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हैलाइड में क्या हो रहा है, आपका हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच्ड है वो आगे कितने कार्बन से अटैच्ड है, अकॉर्डिंगली मेरा जो अल्काइल हैलाइड है वो प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी हो सकता है, ठीक है। तो अब अगर हम SN2 मैकेनिज्म के अंदर देखें तो SN2 मैकेनिज्म के अंदर अभी जो हमने देखा वो हमने क्या देखा, हमारी ये कार्बन था, ठीक है, आपका इधर से ये क्लोरीन से अटैच है और इधर से OH- से अटैच है। तो ये कार्बन ट्रांजिशन स्टेट के अंदर इस क्लोरीन एटम से पार्शियली बॉन्ड ब्रेक कर रहा है और इधर से पार्शियली बॉन्ड मेक कर रहा है आपका इस कार्बन एटम से, है ना, यानी कि OH- आपका इस कार्बन एटम से पार्शियली बॉन्ड बना रहा है और क्लोरीन एटम आपका इस कार्बन से पार्शियली बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, ठीक है। और ये हमारी क्या ट्रांजिशन स्टेट है ना। अब देखो बेटा
क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेट पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट है, कार्बन आपके पांच पांच एटम्स या ग्रुप से अटैच है इस ट्रांजिशन स्टेट के अंदर। तो अगर मैं इस कार्बन के ये हाइड्रोजन किसी बड़े ग्रुप से रिप्लेस कर दूं तो क्राउडिंग क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, है ना। सपोज करो यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह मैं सी एच थ्री कर दूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह पर सी एच थ्री कर दूंगी तो क्या होगा आपका, तो ये बन जाएगा सी एच थ्री सी एच टू एक्स, ठीक है। चलो अभी इसको आप छोड़ो, अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह पर सी एच थ्री कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा आपका, हाइड्रोजन तो छोटा एटम है, वो तो इतना ज्यादा बाकी ग्रुप्स को रिपेल नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई ग्रुप आपका बहुत बड़ा हो जाता है, बड़े साइज का हो जाता है, बल्कि हो जाता है, तो वो आपका क्या करता है, वो आपका स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा देता है, यानी कि वो अपने आसपास के ग्रुप को रिपेल क्या करता है, ज्यादा करता है, अगर उसका साइज बड़ा है तो, बल्कि है वो तब, ठीक है। तो अगर किसी भी ग्रुप का साइज बड़ा होता है तो वो आपका स्टेरिक हिंड्रेंस के थ्रू आपका रिपल्शन ज्यादा शो करता है, और अगर किसी ग्रुप का साइज छोटा होता है तो वो स्टेरिक हिंड्रेंस के थ्रू रिपल्शन कम देता है। तो हाइड्रोजन एटम का साइज क्या है, छोटा है, तो वो एक दूसरे को स्टेरिक हिंड्रेंस के थ्रू जो रिपेल कर रहे हैं वो कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये ट्रांजिशन स्टेट थोड़ी सी स्टेबल है, ठीक है। लेकिन अगर इस हाइड्रोजन को मैं मिथाइल से रिप्लेस कर दूं, ठीक है, तो ये वाला हाइड्रोजन को अगर मैं मिथाइल से रिप्लेस कर दूंगी तो क्या होगी, मिथाइल आपका एक बड़ा ग्रुप है, तो ये बड़ा ग्रुप आपका बाकी ग्रुप्स को रिपेल क्या करेगा, ज्यादा करेगा, ज्यादा करेगा, तो ये वाला जो आपका ट्रांजिशन स्टेट है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा ज्यादा, है ना। और आपको पता है, अगर आपको याद हो केमिकल काइनेटिक्स में, तो मैंने आपको बताया था अगर ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल तो रिएक्शन फास्ट, अगर ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल तो रिएक्शन स्लो। ये चीज हम ऑलरेडी केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ चुके हैं, और आप ये याद रखो अपने दिमाग में, अगर ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगी तो रिएक्शन फास्ट होगी, अगर ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल होगी तो रिएक्शन स्लो होगी, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, इसको मैं हल्का सा ब्रीफली आपको बता देती हूँ। अगर ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल है, ट्रांजिशन स्टेट का क्या आता है, पीक आता है, ये रिएक्टेंट होता है, ये ट्रांजिशन स्टेट होती है, अगर ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल है तो उसकी एनर्जी कम होगी, कम होगी, तो रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच में जो बैरियर हाइट होगी, यानी कि जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी, वो आपकी क्या होगी, कम होगी, और एक्टिवेशन एनर्जी कम तो रिएक्शन फास्ट, ठीक है। अगर आपको इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप केमिकल काइनेटिक्स वाली मेरी वीडियो देख सकते हो, जिसके अंदर मैंने एक्टिवेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट को ग्राफिकली एक्सप्लेन किया है, और आपको मैंने बताया भी है उसके अंदर कि अगर ट्रांजिशन स्टेट हमारी स्टेबल हो जाती है तो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है और रिएक्शन फास्ट हो जाती है। तो हमें कंक्लूजन देखना है, हमारा कंक्लूजन क्या है, हमारा कंक्लूजन ये है, अगर ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल तो रिएक्शन आपकी फास्ट, तो और अगर आपका ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल तो रिएक्शन आपकी स्लो। जितनी ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल होती जाएगी, रिएक्शन उतनी ही ज्यादा स्लो होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैंने H की जगह CH3 कर दिया तो ये ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल हो जाएगी, है ना, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि CH3 आपका एक बल्कि ग्रुप है ना। अगर मैं यहाँ पर H की जगह CH3 कर रही हूँ और स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल हो गई है तो रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर H की जगह पर CH3 करने का मतलब क्या है, ये वाले H को बेटा, ये वाले H को मैंने आपका क्या किया, CH3 किया, तो इसका मतलब ये वाले H को हमने CH3 किया, है ना। तो इसका मतलब ये कौन सा मॉलिक्यूल हो गया, अब आपका पहले था ये CH3Cl, अब क्या हो गया CH3CH2Cl, यानी कि CH3CH2Cl, यानी कि हो गया प्राइमरी एल्काइलाइड हो गया आपका, ठीक है। तो यानी कि अगर हम प्राइमरी एल्काइलाइड को देखें, अगर हम आपका कंपेयर करें किसका, अगर मैं कंपेयर करूं मिथाइल हैलाइड, मिथाइल क्लोराइड, और अगर मैं कंपेयर करती हूँ मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड को, मिथाइल क्लोराइड क्या है, मिथाइल क्लोराइड हो गया, ये एक्स की जगह क्लोरीन कर दो तो ये भी मेरा प्राइमरी एल्काइलाइड है। तो मिथाइल हैलाइड और इथाइल हैलाइड में से किसका रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से आपका फास्ट होगा, वो होगा आपका मिथाइल हैलाइड का, क्योंकि मिथाइल हैलाइड के केस में कार्बन के साथ ये तीनों क्या थे, हाइड्रोजन थे, लेकिन इथाइल हैलाइड के केस में एक हाइड्रोजन आपका किससे रिप्लेस हो गया, मिथाइल से रिप्लेस हो गया, है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस कार्बन के साथ अगर तीनों हाइड्रोजन रखती हूँ तो ये मिथाइल
क्लोराइड होता है, ठीक है, लेकिन अगर मैं इस हाइड्रोजन को मिथाइल से रिप्लेस कर देती हूँ, यानी कि पहले तो ये आपका हाइड्रोजन था, तो ये था CH3Cl था, यानी कि ये वाला मॉलिक्यूल था, ठीक है। अब अगर मैं इसको CH3 करती हूँ, तो यहाँ पर भी आपका हमारा पहले ये H था और H के बाद अब क्या हो गया, CH3 हो गया, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर CH3 किया, ये बन गया CH3CH2Cl, यानी कि CH3CH2Cl, और जैसे ही यहाँ पर CH3 आया, ये ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल हो गई स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो गया, स्लो हो गया। तो यानी कि SN2 मैकेनिज्म से इसका रेट ऑफ द रिएक्शन फास्ट होगा मिथाइल क्लोराइड का इन कंपैरिजन टू इथाइल हैलाइड, यानी कि इथाइल क्लोराइड, x की जगह मैं क्लोरीन लिख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि हम क्लोरीन के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि मिथाइल क्लोराइड का रेट ऑफ द रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से फास्टर होगा इन कंपैरिजन टू इथाइल क्लोराइड, ठीक है। अब बेटा अगर मैं ये वाले हाइड्रोजन को भी मिथाइल से रिप्लेस कर दूं, ठीक है, तो अगर ये वाले हाइड्रोजन को मैं मिथाइल से रिप्लेस कर दूंगी, ठीक है, तो क्या होगा, तो क्राउडिंग और ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि अब दो दो बल्की ग्रुप आ गए, लार्ज बल्की ग्रुप आ गए आपके, वो ज्यादा रिपेल करेंगे, ट्रांजिशन स्टेट और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगी पहले से, तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, पहले से और ज्यादा स्लो हो जाएगा, है ना। तो ये वाले हाइड्रोजन को मिथाइल में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि आप ये वाले हाइड्रोजन को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, मिथाइल ग्रुप में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे ही आपने ये वाला हाइड्रोजन मिथाइल में कन्वर्ट किया, तो ये क्या बन गया, क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो दो मिथाइल से अटैच्ड है और एक हाइड्रोजन से अटैच है, यही हुआ ना आपका, क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो दो मिथाइल से अटैच्ड है और एक हाइड्रोजन से अटैच है। तो यहाँ पर भी यही है, क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है वो आपके दो मिथाइल से अटैच है और एक ये वाले हाइड्रोजन से अटैच है, तो ये आपका क्या बन गया, ये एक्चुअली में बन गया आपका सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। तो अगर मैं ये वाले एक हाइड्रोजन को भी मिथाइल से रिप्लेस कर देती हूँ, ठीक है, तो आपका ये बन जाएगा सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, यानी कि सेकेंडरी एल्काइल क्लोराइड, क्योंकि हैलाइड में क्लोराइड ले रही हूँ, सेकेंडरी एल्काइल क्लोराइड बन जाएगा। तो सेकेंडरी एल्काइल क्लोराइड में, क्योंकि आपके दो दो ये मिथाइल ग्रुप बल्कि हो जाएंगे आपके यहाँ पर, वो आपके ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जो ट्रांजिशन स्टेट को अनस्टेबल बना देगा, तो रेट ऑफ द रिएक्शन आपका प्राइमरी वाले एल्काइल क्लोराइड के कंपैरिजन में आपका स्लो हो जाएगा, ठीक है। अब टर्शियरी एल्काइल क्लोराइड का मतलब क्या है, कि ये तीनों हाइड्रोजन आपके जो पहले तीन हाइड्रोजन थे यहाँ पर, दो दो हाइड्रोजन को तो मैं मिथाइल से रिप्लेस कर चुकी हूँ, और अगर मैं इस तीसरे हाइड्रोजन को भी मिथाइल से रिप्लेस कर देती हूँ, तो इस तीसरे हाइड्रोजन को मिथाइल से रिप्लेस करने का मतलब ये है कि ट्रांजिशन स्टेट बहुत ज्यादा अनस्टेबल और रेट ऑफ द रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो। तो ये वाले हाइड्रोजन को मिथाइल में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि आप ये वाले हाइड्रोजन को मिथाइल में कन्वर्ट कर रहे हो, यानी कि क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है वो आगे तीन मिथाइल ग्रुप से अटैच है, यहाँ पर भी क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है वो आगे तीन मिथाइल ग्रुप से अटैच है, तो इसका मतलब अभी आपका एल्काइल हैलाइड क्या हो गया, टर्शियरी हो गया, ठीक है। तो हमने आपका देखा कि जैसे जैसे हम प्राइमरी एल्काइल हैलाइड से सेकेंडरी और टर्शियरी एल्काइल हैलाइड की तरफ मूव करते हैं, तो आपका हेलोजन एटम यानी कि क्लोरीन एटम जिस कार्बन से अटैच्ड है वो आगे सिर्फ अगर एक ही मिथाइल ग्रुप से अटैच है तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, अगर हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच्ड है वो आगे दो मिथाइल ग्रुप से अटैच है तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, रिपल्शन ज्यादा है, और हेलोजन एटम यानी कि क्लोरीन एटम जिस कार्बन से अटैच है वो आगे तीन तीन मिथाइल ग्रुप से अटैच है तो स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर और भी ज्यादा है आपका, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो रिएक्टिविटी है आपकी SN2 मैकेनिज्म से वो सबसे ज्यादा इन तीनों में सबसे ज्यादा इसकी है, फिर उससे कम इसकी, फिर उससे कम इसकी, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हम यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जा रहे हैं स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती जा रही है, क्योंकि कार्बन एटम के साथ हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच्ड है उसके साथ जो ग्रुप्स हैं वो बल्की होते जा रहे हैं आपके, बड़े होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती जा रही है और रेट ऑफ द रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से कम होती जा रही है। तो हमें ये देखना है कि हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच्ड है उसके साथ जो ग्रुप्स लगे हुए हैं वो बल्की हैं या बल्की नहीं है, बड़े हैं कि नहीं है। तो क्लोरीन एटम जिस कार्बन से अटैच्ड है सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप यहाँ पर है, क्लोरीन एटम जिस कार्बन से अटैच है यहाँ पर दो दो बल्की ग्रुप अटैच है, मिथाइल ग्रुप दो दो मिथाइल ग्रुप जो कि बल्की है वो अटैच है, और क्लोरीन एटम जिस कार्बन से अटैच है यहाँ पर तीन तीन
आपके लार्ज बल्की एल्काइल मिथाइल ग्रुप आपके अटैच हैं, तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा है, यहाँ पर कम और यहाँ पर उससे भी कम, और सबसे कम यहाँ पर जहाँ पर क्लोरीन एटम जिस कार्बन से अटैच है वो किसी, वो आगे तीन हाइड्रोजन से अटैच है। देखो CH3Cl को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, तो क्लोरीन एटम जिस कार्बन से अटैच है उसके साथ कोई भी, देखो कोई भी बल्कि एटम नहीं है, तीनों के तीनों आपके क्या हाइड्रोजन है ना, जबकि यहाँ पर क्लोरीन एटम जिस कार्बन से अटैच है वो आपका एक मिथाइल ग्रुप से अटैच है जो कि आपका बल्कि है, जबकि यहाँ पर क्लोरीन एटम जिस कार्बन से अटैच है वो तीन छोटे छोटे हाइड्रोजन जो कि आपके लेस बल्कि होते हैं। ठीक है, तो जो कम बल्कि होता है वो कम स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, ठीक है, और SN2 मैकेनिज्म से उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, जो ज्यादा बल्कि होता है वो ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, और SN2 मैकेनिज्म से उसकी रिएक्टिविटी आपकी आपकी कम होती है। ठीक है, तो जो कम स्टेरिक हिंड्रेंस देगा उसकी रिएक्टिविटी SN2 मैकेनिज्म से ज्यादा होगी, जो आपका ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस देगा उसकी रिएक्टिविटी SN2 मैकेनिज्म से कम होगी। क्लियर, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी कैलेलाइट का। अब इसी के अंदर आपका हम एक और चीज भी देख लेते हैं। अब आपको अगर बोला जाए कि देखो बेटा SN2 मैकेनिज्म से अगर आपको एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी बतानी है तो आपको सिंपली एक चीज देखनी है कि हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच्ड है वो आगे आगे कितने बल्कि ग्रुप्स के साथ अटैच है। अगर वो ज्यादा बल्कि ग्रुप्स के साथ अटैच है तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी और रिएक्टिविटी कम होगी, अगर वो कम बल्कि ग्रुप्स के साथ अटैच है तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी और रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड से, देन टर्शियरी एल्काइल हैलाइड से, कौन से मैकेनिज्म से, SN2 मैकेनिज्म से। ठीक है, तो ये हमारा कंक्लूजन निकल आया। अब हम आपका एक और क्वेश्चन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोला जाता है ये आपका कंपाउंड है और एक कंपाउंड है आपका ये वाला, ठीक है, तो ये दो कंपाउंड्स आपको दिए गए हैं और आपको बोला जा रहा है कि कौन सा कंपाउंड आपका SN2 मैकेनिज्म से ज्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच्ड है वो आगे इस बड़े ग्रुप से अटैच है। देखो ना, हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच्ड है वो इस बड़े ग्रुप से अटैच है। सिमिलरली यहां पर हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है वो आगे दो बड़े ग्रुप्स के साथ अटैच है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर दो दो बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, यहां पर सिर्फ एक ही बल्कि ग्रुप लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टेरिक हिंड्रेंस कम देगा, ये स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा देगा, तो इसकी रिएक्टिविटी लो है और इसकी रिएक्टिविटी क्या है आपकी फास्ट है, यानी कि ये फास्टली रिएक्ट करेगा या आपका स्लोली रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब मैं बेटा यानी कि ये वाला कंपाउंड फास्टली रिएक्ट करेगा SN2 मैकेनिज्म से और ये वाला कंपाउंड आपका स्लोली रिएक्ट करेगा SN2 मैकेनिज्म से। अब मैं थोड़ा सा और क्वेश्चन को मोल्ड कर रही हूं। सपोज करो आपका आपके ये दो कंपाउंड्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला है। ठीक है, तो यहां तो हमें पता है हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच्ड है वो इस बल्कि ग्रुप से अटैच है। ठीक है, और यहां पर भी हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच्ड है वो इस बल्कि ग्रुप से अटैच है ना, तो यानी कि दोनों ही केस में आपका हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच्ड है वो एक एक बल्कि ग्रुप से अटैच है, एक एक बड़े ग्रुप से अटैच है ना। देखो हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है वो आपका इस बड़े ग्रुप से अटैच है यहाँ पर, और यहाँ पर हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है वो आपके इस बड़े ग्रुप से अटैच है। बाकी के तो देखो इस कार्बन के साथ भी दो हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ भी दो हाइड्रोजन है, तो इन दो हाइड्रोजन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हाइड्रोजन एटम कभी भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं देते क्योंकि वो बहुत छोटे साइज के होते हैं। ठीक है,
तो अब क्वेश्चन यहाँ आता है, इन दोनों में से हम कैसे बताएं कि ये ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस देगा या ये ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस देगा। ठीक है, तो अब बेटा आपको यहाँ पर जो देखना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा कि जो आपका ये मिथाइल ग्रुप है ये आपका उस कार्बन के कितना क्लोज है जो हेलोजन एटम से अटैच है। जितना ज्यादा ये मिथाइल ग्रुप उस कार्बन के क्लोज होगा जिसके साथ हेलोजन एटम अटैच है उतना ज्यादा ये मिथाइल ग्रुप आपका स्टेरिक हिंड्रेंस देगा। ठीक है, और उतना ही ज्यादा वो आपका ट्रांजिशन स्टेट कॉन्स्टेबल बनाएगा और इस तरीके से रेट ऑफ द रिएक्शन को स्लो डाउन कर देगा। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो आप देख सकते हो हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है, हैलोजन एटम इस कार्बन से अटैच्ड है, तो ये मेरा हो गया नंबर वन कार्बन। अब ये वन कार्बन आपका जितना इस मिथाइल के क्लोज होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगी SN2 मैकेनिज्म से स्लो होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने हैलोजन एटम के साथ वाला जो कार्बन है उसको वन दे दिया, तो हैलोजन एटम के साथ वाला कार्बन ये हो गया वन। ठीक है, अब आप देखो कि ये जो मिथाइल ग्रुप है ये आपका इस वन के कितना पास है, तो आप देख सकते हो ये फर्स्ट वाले कार्बन के कैसे पास है, ये एक दो कार्बन छोड़ करके आपका ये मिथाइल ग्रुप है ना। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो ये फर्स्ट कार्बन है तो एक दो तीन कार्बन छोड़ के आपका ये आपका क्या है मिथाइल ग्रुप है आपका, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इस फर्स्ट कार्बन से इस मिथाइल ग्रुप की दूरी क्या है ज्यादा है और इस फर्स्ट कार्बन से इस मिथाइल ग्रुप की दूरी क्या है कम है, तो ये अपना स्टेरिक हिंड्रेंस वाला इफेक्ट इस कार्बन पर ज्यादा शो कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप इस कार्बन के ज्यादा नजदीक है इस कंपाउंड में, जबकि ये वाला मिथाइल ग्रुप इस कार्बन से आपका ये फर्स्ट वाले कार्बन से आपका थोड़ा दूर है, तो ये आपका कम स्टेरिक हिंड्रेंस इस कार्बन को दे पाएगा। तो इस केस में जो ट्रांजिशन स्टेट होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी और रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगी, और इस केस में ट्रांजिशन स्टेट कम स्टेबल होगी और रिएक्शन आपकी स्लो होगी। तो इस तरीके से हम आपका बताएंगे कि कैसे जो नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड है वो आपका SN2 मैकेनिज्म की रिएक्टिविटी को आपका कंट्रोल करता है। ठीक है, अब आता है आपका न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल में तो आपको पता ही है अगर आपका कोई न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है तो वो ज्यादा अच्छे से आपका आपका इस कार्बन के ऊपर अटैक कर पाएगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है एल्काइल हैलाइड के अंदर, और बड़ी जल्दी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर पाएगा। ठीक है, तो मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि अगर हम न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर लेते हैं, अगर आपका न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होगा तो SN2 मैकेनिज्म से जो रिएक्शन होगा वो आपका फास्ट होगा, अगर न्यूक्लियोफाइल वीक होगा तो SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन जो होगा वो आपका क्या होगा स्लो होगा। ठीक है, तो इस तरीके से एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल का नेचर जो है वो आपका रिएक्टिविटी को आपका SN2 मैकेनिज्म की रिएक्टिविटी को आपका कंट्रोल करता है। ठीक है, सो विद दिस मेरा ये वाला वीडियो यही वाइंड अप होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं SN1 मैकेनिज्म की डिटेल्स लूंगी। क्लियर।